वीकेंड्स पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले दो कोवर्कर्स उसी बिल्डिंग के लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि इस मूवी में इतने ज़्यादा प्लॉट्स एंड ट्विस्ट है कि आप लोग एंड तक बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि मूवी तो बड़ी ही शानदार होने वाली है और ये वीडियो भी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको अपना एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए मेरे भी चैनल से लेकर, तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना किसी और देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़की जिसका नाम जेनिफर होता है और इस मूवी का जो मेन एक्टर है उसका नाम होता है मैट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज लिख रही होती है कि वो उसके पास आ रही है, पर वो उस मैसेज को सेंड नहीं कर पाती, सिर्फ उसको लिखती है। वो उसके लिए एक सरप्राइज़ लेकर जा रही थी और उसकी अगले एक घंटे में उसकी एक फ़्लाइट थी और वो उसको न्यूयॉर्क के लिए निकलना था अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए ताकि वो उससे शादी कर सके। अब हम लोग देखते हैं कि एक मैट नाम का एक आदमी को भी हम इस मूवी में देखते हैं जो उसके साथ साथ ही आ रहा था। इन दोनों का निकलने का भी इस बिल्डिंग से टाइम हो गया था, तो ये दोनों एक ही फ्लोर पर काम करते थे। तो ये लोग एक लिफ्ट के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लिफ्ट चालू होती है और ये लोग जैसे 42nd फ्लोर पर आ रहे थे तभी लिफ्ट यहाँ पर दोस्तों बंद हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक लिफ्ट के अंदर एक ड्राइंग भी बनी हुई है एक छोटी सी। अब यहाँ पर ये दोनों उस लिफ्ट के सारे उपकरणों को देखते हैं कि वो तो उसमें लाइट तो आ रही है पर वो लिफ्ट चल क्यों नहीं रही। अब ये लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और यहाँ पर जेनिफर की नज़र एक कैमरा पर पड़ती है और वो लोग उस कैमरा के ऊपर हाथ वेव करते हैं, यानी कि अपना हैंड वेव करते हैं, जिससे उस कैमरे पर अगर कोई बैठा हो तो उन लोगों को पता पड़ जाए। अब ये लोग को पता पड़ चुका था कि इस लिफ्ट से निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर बिजली भी नहीं आ रही थी। अब ये लोग एक दूसरे से दोस्तों बातचीत करते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। यहाँ पर जेनिफर कहती है कि कभी कभी ये लिफ्ट जो है आवाज़ करती थी, जिसके कारण हो सकता है कि ये ख़राब हो गई हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैट होता है वो एक अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि क्या पता, क्योंकि हर लिफ्ट के अंदर ये ऑप्शन होता है कि इनकी जो सीलिंग होती है ऊपर की उसके अंदर एक एग्जिट का कोई एक पॉइंट होता है। अब यहाँ पर जो मैट है वो उसकी हाइट तो कम पड़ जाती है, तो वो अपने ऊपर जेनिफर को बैठाता है और उससे कहता है कि वो टैप करे उसकी सीलिंग के ऊपर, यानी कि लिफ्ट की सीलिंग के ऊपर, जिससे कि वो सीलिंग खुल सके, पर वो सीलिंग नहीं खुल पाती। अब ये दोनों दोस्तों बैठ जाते हैं और अपने आपस की बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। अब यहाँ पर मैट है अपने उसमें से एक बोतल निकालता है क्योंकि यहाँ पर जेनिफर को प्यास लग रही थी, तो वो अपना पानी निकालता है पर जेनिफर मना कर देती है। वो अपने बैग से एक वाइन की बोतल भी निकालता है और एक वाइन ओपनर भी निकालता है। अब यहाँ पर अपना भी वाइन ओपनर निकाल देती है जेनिफर। अब यहाँ पर ये दोनों हंसने लगते हैं और फाइनली यहाँ पर जेनिफर मैट का पानी पी लेती है और इन दोनों में तो कुछ नज़दीकियाँ आने लगी थी। ये दोनों अपने आप को एक बारे में बताते हैं अपने दूसरे एक दूसरे के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों पूरे 4 घंटे हो चुके थे जहाँ पर जेनिफर को ये फील होता है कि उसकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो चुकी है और साथ ही साथ उसको यूरिन भी आ रहा था और वो अपने ऐसे कोई पब्लिकली एक आदमी के सामने ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर मैट जो होता है वो कहता है कि मैं अपना मुंह फेर लूँगा और तुम इस बोतल में कर सकती हो और ये सब कुछ नॉर्मल है। अब यहाँ पर जेनिफर एक बोतल में अपना यूरिन पास करती है, उस बोतल को एक कोने में रख देती है। यहाँ पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस लिफ्ट में एक ड्राइंग बनी होती है, तो ये लोग उस ड्राइंग को कम्प्लीट करते हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीट थी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेनिफर मैट से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो मैट उससे मना करता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हाँ मेरी एक पहले एक कोवर्कर थी जिसके साथ मैं एक ड्राइव पर गया था तो इंटीमेट हुआ था। यहाँ पर जेनिफर भी अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार इंटीमेट हुई थी जब मैं 19 साल की थी। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी बैग में से वाइन निकालते हैं और वाइन पीते हैं और मस्ती करते हैं। यहाँ पर जेनिफर और मैट एक दूसरे से कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि कौन अच्छी ड्राॅइंग बनाएगा। तो यहाँ पर मैट जेनिफर की ड्राॅइंग बहुत अच्छी बनाता है और जेनिफर उससे कहती कि मैं इसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाऊंगी। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने खुल गए थे और बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो गए थे, ये सेल्फीज ले रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों लिफ्ट को बंद हुए तो पूरे 4 घंटे हो गए थे, पर लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि लिफ्ट को बंद हुए 4 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर जेनिफर मैट को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेकर जा रही थी, पर क्योंकि अब मेरी जो फ्लाइट है वो मिस हो गई है तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में दोस्तों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और आपस में इंटीमेट होते भी हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पर जो मैट होता है वो जेनिफर को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं इससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगूँ। यहाँ पर जेनिफर मैट को बताती है कि ये सब एक हादसा मान के हम लोग दोनों ही इस बात को भूल जाने वाले हैं, तो तुम इस बात को सीरियस क्यों ले रहे हो। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैट होता है वो उसको अपने बारे में बताता है और जेनिफर भी कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अगले ही मंथ उसके साथ शादी करने वाली हूँ। अब ये बातें सुनकर जो मैट है वो कुछ गुस्से से में आ जाता है और जेनिफर को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
अब यहाँ पर गाय कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गाय का बिहेवियर था यानी कि मैट का, वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो गया था। और यहाँ पर जो जेनिफर थी वो भी कुछ नाराज़ हमें लग रही थी। अब यहाँ पर मैट जेनिफर को कुछ CCTV फुटेजेस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी हैं और ये सब मैंने तुम्हारे लिए हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमको एक पल भी अकेला नहीं देख सकता। अब एक्चुअल में मैट इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। इस बात को सुनकर जो जेनिफर है वो बहुत नाराज़ हो जाती है और कहती है कि और तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और मेरे साथ शादी करने की तुम सोच रहे हो। जेनिफर फिर मैट से कहती है कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला कि तुम एक अकाउंटेंट हो। अब यहाँ पर हमें एक सीक्रेट देखने को मिलता है कि मैट के पास उस लिफ्ट की चाबी है जिसके कारण वो लिफ्ट चालू हो जाती है। और यहाँ पर जेनिफर इतना गुस्सा होती है और उसे गाली देने लगती है कि मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ इंटीमेट हुआ और ये एक तरह से रेप ही हुआ। अब यहाँ पर जो जेनिफर होती है वो उससे लड़ने झगड़ने लगती है और इसी लड़ाई झड़ाई में उनकी जो चाबी होती है उस लिफ्ट की वो टूट जाती है। अब ये दोनों दोस्तों इतने ज़्यादा एक अनस्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पर जो मैट है वो यहाँ पर जेनिफर को भी लड़ने लगता है और जेनिफर अपनी हील से उसके सिर पर हमला कर देती है, उसे अनकॉन्शियस कर देती है। और कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो मैट है वो जेनिफर को भी बेहोश कर देता है। अब जैसे जेनिफर की बेहोशी के बाद आंखें खुलती है तो जेनिफर उसे पीठ फेर के बैठा हुआ मिलता है और वो उसे बताता है कि मैं भी पहले एक अकाउंटेंट हुआ करता था क्योंकि अब मैंने जैसा तुम्हें बताया थी कि मैं अपने एक कोवर के साथ इंटीमेट हुआ था एक लॉन्ग ड्राइव पर, और तभी जब मैंने तुम्हें ये पूरी कहानी नहीं बताई थी, जब हम इंटीमेट हो रहे थे तो हमारी जो कार थी एक पेड़ से टकरा गई थी जिसके कारण वो मर गई थी और मेरे पास कई सारे चार्जेस लगे थे। और वो बताता है कि क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट था, मेरे पास पैसा था, तो उस पैसे से मैं 6 महीने में ही वापस आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट उस ट्रॉमा से बाहर आ जाता है और उस लिफ्ट की जो भी लाइट होती है सबको फोड़ देता है और उसे एक प्लान बताता है कि चलो अब जो हुआ हुआ, अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मैट ऊपर चढ़ के उस लिफ्ट का जो सीलिंग होता है उसको खोल देता है और यहाँ पर जो जेनिफर होती है वो मैट से कहते हैं कि मैं ऊपर जाऊंगी पहले क्योंकि मेरा वज़न कम है। यहाँ पर मैट को लगता है कि वो धोखा देगी और वो जो सुनना चाहता था और फाइनली उसको वो सुनने को मिलता है। जेनिफर मैट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब यहाँ पर मैट उसकी बातों को मान लेता है और उसको पहले ऊपर चढ़ा देता है। अब जैसे जेनिफर ऊपर जाती है वो मैट को धोखा दे देती है। अब मैट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि अब जेनिफर तो बहुत ही ऊंचा चढ़ चुकी थी लिफ्ट से निकलने के लिए और मैट भी अपने कपड़ों की एक रस्सी सी बनाकर उस लिफ्ट के ऊपर आ जाता है। अब जेनिफर तो बहुत ऊपर चढ़ चुकी थी पर मैट भी हार नहीं मानता और उसके पीछे पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि वो उसके पास पहुँच ही गया था। यहाँ पर जेनिफर ने एक दूसरी लिफ्ट आधी खोल ही रही थी तभी जेनिफर उसका पैर पकड़ लेता है और उसको दोबारा से लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। ये दोनों अपनी उसी पुरानी लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से उस लिफ्ट के अंदर गिरे थे। दोस्तों जो मैट था वो तो अनकॉन्शियस हो ही जाता है पर जो जेनिफर थी उसको होश आ जाता है और वो यहाँ पर उसे ये पता पड़ता है कि यहाँ पर एक फायर अलार्म भी है। तो वो मैट में की जेब में से एक लाइटर निकालते हैं और फायर लगाने की कोशिश करते हैं कुछ कागजों से, पर यहाँ पर मैट उसे कहता है कि इस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर एक फायर अलार्म नहीं बजने वाला क्योंकि वो कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ की जो भी बिजली थी जो भी वायरिंग थी वो मैंने सारी फूंक दी है, वो सब मैंने तोड़ दी है। अब यहाँ पर जेनिफर है वो आगे कोई केस कस्टडी नहीं चाहती थी तो वो अपने फ़ोन में एक वीडियो बनाती है और मैट से वो कहती है कि तुम्हें अब कन्फेशन करना होगा अपना कि ये सब कुछ तुमने करा है और कंपनी का जो भी नुकसान हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैट भी अपनी इन चीज़ों को कन्फेस कर लेता है और जेनिफर भी ये सब सोच लेती है कि अब वो बच जाएगी। अब जैसे मैट का कन्फेशन पूरा होता है वो जेनिफर को बताता है क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ इसलिए मैं तुम्हारी कभी भी वो नहीं कर सकता था, मतलब कभी भी मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई थी कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, पर तुम मेरे दिमाग में बच चुकी थी इसलिए मैंने ये सारा प्लान रचा था। मैंने ही इस लिफ्ट को ये बंद करा था और उसकी चाबी अपनी ही मैंने जेब में रखी थी। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ और जो कि मैंने करा भी। यहाँ पर मैट जेनिफर से कहता है क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि कोवर्कर भी मर चुकी थी तो मैं अपने फिर से अपनी ओल्ड लाइफ महसूस करना चाहता था और इसलिए मैंने तुमसे प्यार करा और इसलिए मैंने ये सारा प्लान रचा था। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मैट है उसका ही एक कोवर्कर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बिल्डिंग के अंदर आता है। वैसे तो इसकी छुट्टी थी पर अपनी गर्लफ्रेंड को उस बिल्डिंग में लेकर आया था घुमाने के लिए, उसका टेरिस दिखाने के लिए क्योंकि इस बिल्डिंग का जो टेरिस था वो बहुत ही लाजवाब था। अब जैसे ही उसका मैट का जो कोवर्कर है वो CCTV फुटेजेस देखता है तो वो देखता है कि जेनिफर उस लिफ्ट के अंदर बंद है। वो जैसे उसे बचाने के लिए जाता है मैट उसे देख लेता है और उसे कहता है कि ये गेट तभी आधा ही खुलता है। तो यहाँ पर मैट जेनिफर को लात मार देता है, उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर वो आदमी मैट को उस लिफ्ट की चाबी पकड़ा देता है और वो उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा
ऊपर आओगे मेरी हेल्प करने के लिए? तो जैसे वो ऊपर आता है, मैट उसको मार देता है और लिफ्ट को चालू कर देता है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर मैट जेनिफर को लेकर जाता है, अपनी कार में लॉक कर देता है और यहाँ पर अपने ड्रेस चेंज करके अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस को पहनता है। अब देखता है कि उसका जो कोवर्कर था, उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे पूछती है अपनी फ्रेंड के बारे में, यानी कि उसके फ्रेंड के बारे में। वो लड़की मैट को कुछ सस्पिशियस तरह से देखती है तो मैट उसके ऊपर हमला कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेनिफर को अपनी कार के डिग्गी में तो उसने डाली दी थी उसकी डेड बॉडी को, पर जेनिफर भी अभी दोस्तों पूरी तरह से मरी नहीं थी। वो एक कैन के अंदर कुछ पेट्रोल लाता है और जेनिफर की बॉडी के ऊपर डाल रही होता है, तभी जेनिफर उस कैन से उसके ऊपर ही हमला कर देती है और उसको एक जगह पर डाल देती है। वो देखती है कि वो अभी तक मरा नहीं है तो वो अपनी कार को रिवर्स गियर में डालती है और पीछे आती है और यहाँ पर उस वो मैट को ऑन द स्पॉट ही उसको ख़त्म कर देती है। यहाँ पर मैट मर जाता है। वो मैट के ऊपर उसी का लाया हुआ पेट्रोल छिड़क देती है और तभी वो एक सिगार जलाती है। वो सिगार को पीती है, थोड़ा बहुत एक दो घूंट सिगार से मारती है और सिगार को मैट के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो मर जाता है। तो दोस्तों मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। और हाँ, एक बात और, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।